नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डिजिटल शिक्षा तथा रोजगार विकास संस्थान की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्टें, अच्छी खासी पोस्टें, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और बहुत सारी पोस्टें, करीबन 2600 के ऊपर पोस्ट यहाँ पर निकल के आ चुकी है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, देख लेते हैं अगले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कौन कौन सी पोस्टें, कितनी सारी पोस्टें, कब तक अप्लाई करना है, फीस क्या लगने वाली है और बाकी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं अगले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की तरफ से निकला हुआ ये नोटिफिकेशन है। कब से कब तक अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 11 मार्च 2022 से लेके 20 अप्रैल 2022 तक आप कभी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और GD मतलब जनरल एग्ज़ाम की जो डेट है वो अगस्त में हो सकती है, एक टेंटेटिव डेट है। और एक्सपेक्टेड डेट डिस्प्ले मेरिट लिस्ट लगने की सितंबर 2022 में आपकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर लग सकती है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं बाकी डिटेल्स, पोस्ट कौन सी है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट जो है वो असिस्टेंट की है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ये पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 10+2 है, मतलब 12th पास आपका होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा अगर आपने किया है, कंप्यूटर का कोर्स किया है डिप्लोमा में, तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 अगस्त 2022 को आपकी जो एज है वो, अगर आप जेंडर कैटेगरी से हो तो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, अगर आप OBC हो तो 18 से 38 के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों निकली हुई ये भर्ती है। आप बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इस पोस्ट के लिए सैलरी क्या मिलने वाली है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पे स्केल रहेगा 11,765 से लेके लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो 31,540 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों अच्छी खासी सैलरी है, आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों चलो बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस रहेगी फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर आपको यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस लगेगी अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हो तो, और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ 350 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और वो जो फ़ीस है वो टोटल आपको ऑनलाइन तरीके से पे करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चेक के द्वारा कर सकते हो, मनी ऑर्डर निकाल सकते हो, IPO कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फ़ीस स्टैम्प ड्यूटी के तहत भी आप यहाँ पे भर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ़ीस भरने के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं। दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम होने वाले उसका स्कीम का क्राइटेरिया कैसा रहेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट ए में जनरल स्टडीज़ रहेगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के लिए, और पार्ट बी में जनरल नॉलेज रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के लिए। उसके बाद में पार्ट सी में आपका एलिमेंट्री मैथ्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, और रूरल इंडिया के ऊपर आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 90 मिनट मिलेंगे इस सारी एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें आपको निगेटिव मार्किंग सिस्टम भी रहेगी, 1/3 आपके मार्क्स कट जाएंगे एक गलत आंसर पर, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरी बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कट ऑफ लगेगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 40% मार्क्स के आपके होने जरूरी है हर कैटेगरी के लिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई मतलब एप्लीकेबल समझा जाएगा। कट ऑफ स्कोर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर रहेगा, इस तरह से आपका अप्लाई होने वाला है। और दोस्तों आपको एप्लीकेशन कैसे करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन तरीके से रहेगा, और उसके लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, www.dsrvsiindia.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन भरना है। उसके बाद में आपको डिटेल्स दी गई है किस तरह से भरना है, तो आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए, जैसे कि पहले असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद में क्लिक ऑन अप्लाई पे करना है, उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड करनी है, बाद में एप्लीकेशन सबमिट करना है, बाद में फ़ीस आपको सबमिट करनी है, और बाकी में बाद में आपको प्रिंटआउट लेनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है अप्लाई करने की, आप यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिए, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिटर्न एग्ज़ाम होने वाली है, रिटर्न एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा, आपके मार्क्स देखे जाएंगे, और उसी के ऊपर आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास मास्क होना चाहिए, दूसरी बात यहाँ पे ग्लोव्स होना ज़रूरी है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml का बॉटल आपके पास होना चाहिए, एक सिंपल पेन आपके पास होना चाहिए, और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए, जैसे कि कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, या तो ओरिजिनल भी चाहिए, फिर फोटो कॉपी भी आपका ID कार्ड का चाहिए,
और वन एडिशनल फोटोग्राफी भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी होगी एग्ज़ाम के टाइम पे। कॉल लेटर्स भी आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड जो भी जिसको आप बोल सकते हो उस तरह से, और इस तरह से जाके आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करनी होगी। बाकी की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, एक बार आप पूरी जानकारी पढ़ लीजिए। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप एक बार एडवर्टाइज पूरी तरह से पढ़ लीजिए, उसी के बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहता है। दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।